चलो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द बाइकर्स। आज हमारे साथ अदनान है और वो आपको बताएंगे कि इन्होंने होंडा 70 क्यों लिया बाकी चाइना बाइक्स के यानी मुकाबले में, इन्होंने 70 को क्यों चूज़ किया। जी वालेकुम सलाम मुस्तफ़ा, पहले तो मैं ये आपको ये बोलूँगा कि होंडा इसलिए मैंने चूज़ की क्योंकि बाकी चीज़ें इसकी पार्ट्स वगैरह मतलब अच्छी मिलती हैं, चाइना से ज़्यादा अच्छी मतलब चीज़ यानी रिलायबल भी होती हैं। और बिल्कुल, और दूसरी मतलब मैंने 70 चाइना की इसलिए नहीं ली, जैसे मतलब होती है स्पीडो, पता नहीं किस होती है कंपनी होगी, सफारी होगी, टेम्पो होगी, तो वो मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि एक साल बाद वो फिर वाइब्रेट ज़्यादा होती है। मैं समझ गया नहीं कि आप उसको यूज़ करो ज़्यादा तो खड़कना शुरू हो जाती है एक तरह से। बिल्कुल। और दूसरी बात बताऊँ कि ये बहुत मतलब स्मूथ है, ब्रेक्स की मतलब पुरानी जो 70 थी होंडा की उससे ज़्यादा मतलब हल्की भी है, स्मूथ भी बहुत ज़्यादा और चलाने में मज़ा भी। और इसका सबसे मेजर क्या चीज़ है जिस वजह से आपने ली, मेरे ख्याल में इसकी पेट्रोल एवरेज, क्योंकि हर कोई इसकी एवरेज की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी माइलेज देती है और 55-60 समथिंग इस तरह। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसको आपने कितना चला दिया है देख लें इसको? अच्छा, इन्होंने 1423 तक चला दिया, गुड हो गया। तो अभी तक बिल्कुल सही रही है, आपने इसका ऑयल चेंज वगैरह भी कराया है? जी फर्स्ट ट्यूनिंग कराई है अभी तक तो, और बाकी तो कुछ। अच्छा, बाकी चाइना और इसमें क्या फ़र्क है, जैसे चलने में आपको क्या फील होता है, ब्रेकिंग वगैरह ये वो, इसमें कोई फ़र्क है? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, तो आपको होंडा और चाइना में यानी कि क्या फ़र्क लगा आपको, कोई परफॉर्मेंस में, ब्रेक वगैरह में बताएं? जी होंडा में और चाइना में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक दफ़ा मैंने चलाई थी, क्या नाम है, चाइना की। अच्छा, तो वही बात है ना कि ब्रेक्स उसकी मज़े की नहीं है, और ये चाहे मतलब ये जो न्यू होंडा इन्होंने निकाली है 2020 मॉडल, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है, और क्या नाम है चलाने में भी बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, इसकी तो क्या माइलेज में बहुत फर्क है, दोनों का ग्रिप भी बहुत अच्छी है इसकी। बिल्कुल, और मतलब काफी जो दूसरी यानी आप एंजॉय कर रहे हो इसको, बहुत मजा आ रहा है यानी गुड। इंशाल्लाह टूर मारेंगे इंशाल्लाह, और आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, क्योंकि ये ऐसा बाइक है जिसको जहाँ मर्जी आप ले जाएं, कोई मसला हो, 70 के पार्ट्स हर जगह अवेलेबल है, 70 का मैकेनिक हर जगह अवेलेबल है। तो चले, थैंक यू अदनान, आपने टाइम निकाला और अपने इसका रिव्यू दिया, तो इंशाल्लाह आपको और वीडियोज भी मिलती रहेंगी ऐसी। GS 500 की भी वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी, तो वो भी इंशाल्लाह आपको जल्द मिलेगी। बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।